कि यहाँ पे जो है सीक्वेंस क्या होगा ईयर ऑसिकल्स का जो कि हमारे मिडल ईयर में होती हैं बाहर से अंदर की तरफ ओके okay, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट से जो दिया गया है मालियस इनकस और स्टेपस राइट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होता है मेलियस की अगर हम बात करें तो मेलियस जो है ये हैमर की तरह दिखता है इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम हैमर कहते हैं इन, इनकस को एनविल और स्टेपस को जो है स्टेयरअप कहा जाता है राइट अब ये जो हमारी ईयर ऑसिकल्स हैं, इनका मेजर फंक्शन अगर देखा जाए तो ये तीनों ही जो हैं फॉर्म करती हैं शॉर्ट चेन को जो कि क्रॉस करेंगे यहाँ पे मिडल ईयर को राइट right, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो है ईयर ऑसिकल्स का डायग्राम लिया है दिस इज ये इनका एक्सटर्नल ईयर जो है वो साउंड वेव्स को रिसीव कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है कि जो हमारा ईयर ड्रम मैम्ब्रेन है ईयर ड्रम मैम्ब्रेन से साउंड को रिसीव किया जा रहा है और आफ्टर दैट यहाँ से इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है टू द Of the inner ear, right? जैसे कि हम जानते हैं कि जो इनर ईयर है इसमें और एंडोलिम्फ होता है, जिसको लिक्विड कहा जाता है इनर ईयर का तो इस तरह से यहाँ पे ईयर ड्रम से जो हमारी वाइब्रेशन हैं, उन्हें ट्रांसमिट किया जा रहा है इनर ईयर तक। आफ्टर दैट देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है इनका स्टेपल मैलियस ऑप्शन गलत है थर्ड दिया गया है स्टेपस इनकस मैलियस ऑप्शन गलत है लास्ट दिया गया है द ऑप्शन राइट क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर